subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest update. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ CEO ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40ਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਟੀਮ ਕੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡਾਲੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਹਮੇ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। जब तक वहाँ से कोई रिजेक्ट हो गए कुछ नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब अभी तक कोई भी जवाब जो नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं लिख के आया अभी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अभी तक नहीं आया। जैसे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो स्पोर्ट पर ही जो उन्होंने इनकार कर दिया था, वीजे नहीं दिए गए। नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले की बात है, वो पहले टीमें आती रहती हैं, बहुत साल आती रही हैं, अभी तक हमें कोई राइटिंग कम्युनिकेशन नहीं हुई है कि हम उनको वीजा नहीं दे रहे हैं। बात करें तो जैसे क्रिकेट की टीम जो है पाकिस्तान की, उसको वीजा मिल जाता है, पाकिस्तान की टीम को ये देखो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट ने देखना है, ये गवर्नमेंट लेवल का काम है, उनकी फॉरन पॉलिसी क्या है, कैसे है, वो उन्होंने देखना है। बेसिकली क्या, ये जब भी ये वीजा इशू होता है, टीमें आती हैं, कोई भी टीम आती है, तो उसके लिए तीन मिनिस्ट्री होती है, एक तो होम मिनिस्ट्री होती है, फॉरन मिनिस्ट्री होती है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, तीनों ने अपना जो फॉरन पॉलिसी है, जो क्या पॉलिसी है, उसके मुताबिक डिसीजन लेना है। उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते भी क्यों दिया क्यों देते हैं इनके लिए, वो ज़्यादा जो अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं है ना, हम तो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं उनके पास। आपने भेजी एप्लीकेशन? हाँ, वो तो फाइनल जाती है, हॉकी इंडिया के थ्रू जाती है सारी, हमने हॉकी इंडिया को भेजना, तो हमने आगे भेजा। हाई कमांड से कोई बातचीत हुई हो आपके? हाई कमांड कौन सी? केंद्र सरकार से कोई बात? नहीं नहीं, हम उनसे बात नहीं कर सकते ना, हमारा वो चैनल नहीं है डायरेक्ट बात करने का, हमारा काम तो हॉकी इंडिया को भेजते हैं, हॉकी इंडिया ऊपर भेजना, उसके बाद उन्होंने काम करना, जो टीमें होती हैं उन्होंने अपने पासपोर्ट वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी करके अप्लाई कर देने, उसके बाद दो दिन रह गए हैं मैच शुरू होने को, क्या लगता है कि वीजा मिल जाएगा? देखो, हम तो आस में होते हैं, आस पे इंसान जीता है, मिल जाएगा तो हाँ, दो घंटे से आ जाएंगे, हाँ कितनी दूर है वो, तो कितनी दूर नहीं है, ऐसी बात नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर ये तो क्या कर सकते उसके बाद। नहीं तो जो दर्शक होते हैं उनमें काफी निराशा देखने को। नहीं, ये तो ठीक है, अगर टीमें आ जाती फोन की तो हमारे टूर्नामेंट का नाम बढ़ता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, वो तो हमें खुशी होगी, अगर कोई भी टीम फोन की आती है तो हमें तो खुशी होती है, पहले भी टीमें आती रही हैं और बढ़िया मुकाबला होता है, वो चीज़ है।